मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, वो जाते जाते झंडू भांग दे गई। So hello everyone and welcome back to new Q&A video. Yep, Sunday आज तो जरूर Q&A video आनी थी और of course वही अपनी सस्ती सी शुरुआत एक सस्ती सी शायरी के साथ में। चलो वो बातें अलग है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम लोग Q&A की कमिटी टैब पोस्ट में कर क्या रहे हो? मतलब एक ही बंदे के दिमाग में वो क्वेश्चन आ रहा है, अगले की भी वही आ रहा, तीसरे बंदे की वही, मतलब इतने सारे आज कॉमन क्वेश्चन थे। SSS डेफिनेट मैन कंट्रोल ले रहे फलाना फलाना फलाना, अब भाई इतने सारे क्वेश्चन सिमिलर हो गए, मैं क्या बताऊं। मुझे लग रहा है मैंने सारे सेम ही क्वेश्चन पिक कर लिए, लेकिन ऑफ कोर्स संडे है, Q&A वीडियो के हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब जो पहला क्वेश्चन आया सामने शिखा अवस्थी की तरफ से आया, कैन एज एंड फिंड रिटर्न ऑन रॉ एंड क्रिएट अ फैक्शन एंड अटैक ऑन जजमेंट डे, बाय द वे लव योर वीडियो। अब देखो पहले मुझे लगता था चांस नहीं है, लेकिन जब से विंस मैकमैन हटे मेरे दिमाग में मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा है क्या फिंड आने वाले, क्योंकि उन्होंने VKM को लेकर अपनी बायो में अपडेट भी तो किया था। उसका मतलब क्या है कि विंस के रिटायरमेंट से कुछ हफ्ते पहले या फिर कह लो कुछ दिन पहले ब्रे वायट अपनी बायो में उनका नाम मेंशन करते हुए नजर आते हैं, और जिन लोगों ने पता करीबन अनाउंसमेंट के ऑफिस 10 दिन या फिर एक हफ्ते पहले अपने जो विंस मैकमैन है उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में डिसाइड कर लिया था। तो बड़ा सवाल है क्या फिंड को पता था, और बात रही फैक्शन क्रिएट करने के बारे में तो फिलहाल जो सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है समर स्लैम को लेकर वो यही है फिंड वापस आएंगे या फिर नहीं। और अगर WWE को इस चीज को बड़ा करना है तो जरूर आने वाले मंडे नाइट रॉ मैचेस हो सकती है, और मुझे इसकी पॉसिबिलिटी जरूर लग रही है, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहूंगा 30-70 के साथ में 30% फिंड आ जाएंगे बवाल भूचाल हो जाएगा और 70% नहीं आएंगे। मैं चाह रहा हूं WWE यार मुझे गलत साबित कर दो ना प्लीज। अगला जो क्वेश्चन है इस बार दक्ष भाई की तरफ से आए सामने, कैन वी सी AJ स्टाइल गेटिंग गुड बुकिंग एज क्रिएटिव थिंग्स आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ विंस। अब देखो बात AJ स्टाइल्स के बारे में रहती है, इंस्टेंटली इतना बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा AJ स्टाइल्स की बुकिंग के अंदर। मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल वो रोमन रेंज से फेस करेंगे या फिर ब्रॉक से फेस करेंगे जो भी चैंपियन बनता है समर स्लैम के बाद अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, धीरे धीरे करके बिल्ड मिलने वाला है। यानी कि पहले ऐसा लगेगा भाई AJ स्टाइल्स की विनिंग स्ट्रीक चालू होगी, फिर एक नंबर वन कंटेंडरशिप मैच होने वाला, हो सकता है बॉबी लैशली के खिलाफ जाए, लेकिन फॉर श्योर जो AJ स्टाइल्स की बुकिंग है वो डिक्लाइन तो नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ ही जाने वाली है, और शायद AJ स्टाइल्स की बिग बॉस फिर से पुराने वाले अच्छे दिन WWE के अंदर लौटते हुए नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन इस बार गोविंद राज की तरफ से है सामने, Triple H is now back. This means NXT wrestlers like Sampa, LA Knight, Pete Dunne will get the booking in a good storyline and bring back their NXT gimmick. अब देखो Triple H वापस आ गई मैं मानता हूँ, लेकिन Bruce Prichard still बीच में अड़चन टाइप कह सकते हो पूरे Triple H की कंट्रोल के ऊपर। तो अगर Triple H कोई आइडिया पिच करते भी तो Bruce Prichard के पास ये पावर है कि इस चीज को डिक्लाइन कर सकते हैं या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि LA Knight का हमें चांस लगता है उनकी पुरानी गिमिक वापस आ जाएगी, लेकिन शायद पीट डन बुच की तरह कंट्रोल करने वाले हैं WWE के अंदर आने वाले टाइम में, उनका जो पूरा करेक्टर है उसी के ऊपर बनने वाला है। बात रही सैंपा के बारे में, हाँ सैंपा को मेरे हिसाब से पुश मिलने वाला है, लेकिन पहले WWE को मुझे ऐसा लगता है उनका फेस टर्न करवा देना चाहिए, तब जाके ज्यादा अच्छे तरीके से WWE ने बुक कर पाएगी। अगला क्वेश्चन इस बार हिमांशु XD की तरफ से है सामने, ब्रोक एंड ट्रिपल एच एंड स्टेफन मैकमैन मेक ICL US टाइटल रेलिवेंट अगेन। अब देखो मेरे हिसाब से ऑलरेडी US टाइटल और जो IC टाइटल है धीरे धीरे करके दोनों रेलिवेंट बन रही है, मेन रीजन है उनके चैंपियन गुंथर हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, मेरे हिसाब से फाइनली उस टाइटल को एक बार फिर से वर्थ बना रहे। बात रही बॉबी लैशली के बारे में, ऑफ कोर्स यार अपने ऑलमाइटी लैशली के पास US टाइटल आती है, कमाल के मैचेस होते हैं, कमाल की चीजें होती हैं, बस उम्मीद ही करूंगा समर स्लैम के अंदर अपनी टाइटल थ्योरी से एक बार फिर से ना हार जाए। अगर ये चीज नहीं होती ऑफ कोर्स WWE दोनों टाइटल्स को रेलिवेंट बना रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है गुंथर और बॉबी लैशली का इस चीज के ऊपर एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन इस बार अंशुल सिंह की तरफ से आया सामने, ब्रो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रिपल एच एंड स्टेफन मैकमैन, विल दे हैंड WWE बेटर देन विंस मैकमैन, प्लीज पिक इट। देखो मेरे हिसाब से विंस मैकमैन एक्सपीरियंस वाले थे, उनके बिना WWE क्या, आज प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री जितने मेगा स्टार्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी कहते हैं ना टाइम के साथ चीजों को बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा विंस मैकमैन का WWE से जाना काफी अच्छी चीज है, विंस मैकमैन वो इंसान थे जिसके कारण हमें सरप्राइज फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं, कभी अचानक से ब्रॉक आता है फलाने बंदे को चैलेंज करते हैं, वो चीज विंस के कारण थे, लेकिन शायद मेरे हिसाब से टाइम के साथ WWE को चेंज करने चाहिए थे, फाइनली वो चेंज हो चुका है, और मेरे हिसाब से विंस मैकमैन की जगह ट्रिपल एच एंड स्टेफन मैकमैन, अब ट्रिपल एच ज्यादा बेटर इसलिए भी संभाल पाएंगे वो एक रेसलर रह चुके हैं, वो जानते हैं कि रेसलर को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर एज रेसलर आप ऑडियंस को किस तरीके से एंटरटेन कर सकते हो, इसलिए मेरा ये मानना है जो ट्रिपल एच है वो एक्चुअल में विंस मैकमैन से ज्यादा बेटर बुकर बन सकते हैं WWE के अंदर। बाकी देखो आने वाले टाइम में वो किस तरीके से बुक करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इस बार अर्जुन 69 YT की तरफ से सामने, विंस मैकमैन रिटर्न इन फ्यूचर। अभी जो क्वेश्चन है काफी लोगों ने पूछा था, ऐसा तो नहीं विंस सबका पोपट बना रहे, एलिगेशन हट जाएंगे कि वो फिर से WWE के अंदर आके तांडव करने वाले। देखो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बात इनसाइडर्स ने कंफर्म की है कि ये जो पूरी रिटायरमेंट वाली चीज है स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, ये टेंपरेरी नहीं है, परमानेंट चीज होने वाली है, हो सकता है टीवी प्रोग्रामिंग के अंदर इन फ्यूचर
एक बार फिर से विंस मैकमैन एक दो सेगमेंट्स के लिए या फिर पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के लिए वापस आते हुए नजर आए, लेकिन अब आप कहो कि भाई अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आना फिलहाल ऐसे जीरो चांस लग रहे हैं, क्योंकि जब विंस मैकमैन अपनी हेल्थ के हिसाब से भी काफी ओल्ड हो चुके हैं, इसके ऊपर भाई एलिगेशन लगते हुए नजर आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें फोर्सफुली रिटायरमेंट जल्दी लेनी पड़ी। अब इन फ्यूचर वो उस पोजीशन के ऊपर वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन हर टीवी प्रोग्रामिंग के अंदर एटलीस्ट मैं उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक बार फिर से वो कम बैक करेंगे। अगर इस बार रोबिन मॉन्डल की तरफ से आए सामने शेन मैकमैन रोल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक नहीं बल्कि ताहा खान ने भी पूछा, विकास भाई ने भी पूछा, ये क्वेश्चन और भी 7-8 लोगों ने पूछा था, भाई ये बताओ शेन मैकमैन का क्या। काफी लोगों ने ये भी कहा कि भैया शेन मैकमैन विंस मैकमैन के बेटे थे, मैं लौंडे कहने जा रहा था, बेटे थे, लेकिन उनके पास में घंटा कुछ नहीं आया और ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन सारी चीजें लेते हुए नजर आए, निक खान को कंट्रोल मिल गया। तो देखो सीन यहां पर कुछ इस तरीके से, शेन मैकमैन के जो रिसेंट आम में कंट्रोवर्सी थी ना रॉयल रंबल वाली, उसके बाद से बैक स्टेज के ऊपर उन्हें इतना लाइक किया नहीं जा रहा था, तो विंस मैकमैन अकेले वो सारी प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं कर सकते शेन मैकमैन को। प्लस शेन मैकमैन के इसके अलावा भी काफी सारे बिजनेस चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है भाई वो उस चीज के अंदर बिजी हो, या फिर ये भी हो सकता है भाई शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज लीगल मैनेजमेंट की जगह या फिर एज मैनेजमेंट वाले बंदे की जगह एज रेसलर काम करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनका एक रेसलर वाला कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो शायद मेरे हिसाब से भी एक मेन रीजन हो सकते हैं जो शेन मैकमैन है उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी कुछ भी नहीं मिलता हुआ नजर आया। शायद हो सकता है इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है शेन मैकमैन आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन अब सुनने में वियर्ड है। वैसे कहा जाता है भाई बाप के बाद बेटी की सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब बेटा नहीं बेटी और उसके जो हस्बैंड है यानी हमारे ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन वो चौका छक्का मार गए और शेन मैकमैन के हाथ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं देखना चाहूंगा एक बार फिर से शेन मैकमैन को एटलीस्ट एज जनरल मैनेजर ऑन मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन और उनकी इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए, तो मैं एक्साइटेड हूं यार। प्लीज शेन मैकमैन को एक बार फिर से वापस ले आओ, एक रीजन उन्हें हम लोग कहते बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो अगला क्वेश्चन है इस बार सीनेशन फैन शान की तरफ से आए सामने, विंस मैकमैन इज रिटायर्ड, विल देयर बी एनी इंपैक्ट ऑन थ्योरी पुश। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने पूछा था, भाई थ्योरी का क्या हाल चाल है, विंस मैकमैन चले कि थ्योरी भी हो गए 9-11। तो देखो मैंने पहले भी काफी बार कॉमेंट के अंदर रिप्लाई किया और मैं यहां पर वही सेम चीज कहने जा रहा हूं कि जो थ्योरी वाला सीन है कुछ इस तरीके से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बैक स्टेज सुपरस्टार उन्हें एज फ्यूचर स्टार देखते हैं, तो विंस मैकमैन इकलौते रीजन नहीं थे उन्हें पुश देने के लिए। बैक स्टेज के ऊपर उन्हें काफी लोग लाइक करते हैं, पॉल हिमन का मानना है ये फ्यूचर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो आप समझ सकते हो काफी अच्छी खासी है ना उनकी लाइकिंग है बैक स्टेज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से पुश के अंदर डिक्लाइन तो आने वाला, विंस मैकमैन जा चुके हैं अब वो अचानक से भाई सारी चीजें उनके हाथ में नहीं आ जाएंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है विंस मैकमैन के जाने के बाद थ्योरी के पुश के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला है, उन्हें स्टिल एज मेन इवेंटर फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर तो बुक किया जाएगा। अच्छा इनका अगला क्वेश्चन ये है कि 100K के ऊपर व्लॉग चैनल ओपन करना। अब सीन कुछ इस तरीके से, मेरे से दो चैनल तो संभल नहीं रहे, गेमिंग वाला और ये वाला, मुझे नहीं पता मैं व्लॉग चैनल कैसे संभालने वाला हूँ। भाई जो अगला क्वेश्चन है इस बार रायन खान की तरफ से है सामने, सॉरी भाई अगर नाम गलत ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी काफी लोगों ने पूछा, भाई रोमन रेंज जो टाइटल है अब क्या जल्दी एंड हो जाए क्योंकि विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं। देखो काफी लोग जो रोमन रेंज को टैग ये भी देते कि विंस मैकमैन के बॉय है या फिर जो विंस मैकमैन के हैंड पिक सुपरस्टार है, तो विंस उन्हें पुश देते थे, लेकिन विंस का हो गया 9-11 डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो जा चुके हैं, ट्रिपल एच का मेन फोकस होता है असली रेसलर्स, तो क्या जो रोमन रेंज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाते हुए नजर आएंगे, उनकी टाइटल रेंज खत्म हो जाएगी। अब देखो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि समर स्लैम के अंदर रोमन टाइटल हार जाते हैं तो विंस मैकमैन की रिटायरमेंट का उस चीज के ऊपर जीरो इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो रोमन रेंज है वो बैक स्टेज के ऊपर क्या पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी भौकाल एक टाइप है उनका। मेरे कहने का मतलब ये जो रोमन रेंज है वो नीडल मूवर है एक्चुअल में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में कोई भी ऐसा चोमू रीजन नहीं होने वाला, इवन ट्रिपल एच जानते व्हाट इज बेस्ट फॉर बिजनेस, तो ऑफ कोर्स रोमन रेंज की जो टाइटल रही है अभी तक बिजनेस के लिए काफी कमाल की रही है, तो अगर रोमन रेंज हारते हैं टाइटल समर स्लैम के अंदर वो जरूर विंस मैकमैन की रिटायरमेंट के कारण नहीं होने वाले, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्री प्लान किया था कि भाई फाइनली वो मोमेंट है जब रोमन को टाइटल ड्रॉप कर देनी चाहिए। अब वो समर स्लैम के अंदर हो गया फिर ये बड़ी चीज होने वाली, फिर क्लैश एट द कैसल भी आने वाला है, तो चीजें काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं ये बात गारंटीड कह सकता हूं कि विंस मैकमैन के जाने का जो इंपैक्ट है वो रोमन के ना पुश पे ना उनकी टाइटल रेन पे आएगा। अच्छा बिग डॉग वाले रोमन होते मैं मान सकता था उस पर आ सकता क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितने ट्राइबल चीफ है, एक अपीयरेंस के लिए भैया फैंस दीवाने हो जाते कि रोमन आए थे स्मैकडाउन के अंदर, चाहे आके प्रोमो कट कर दे तो इंपैक्ट ट्राइबल चीफ का, जो कि मेरे हिसाब से ट्रिपल एच भी इग्नोर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बाय द वे आज की क्यूएनए वीडियो बस यहीं तक थी और ये था आज का लंबा चौड़ा क्यूएनए वीडियो। बाय द वे क्या कहते हो उसे, हाँ अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।